कमाल कल रात से, इस सारे मामले में आपको लगता है कि वो बेनिफिशियरी होगी या उनके हाथ कुछ नहीं आना है, उनके वो अपना मसला खुद ही हल कर लेगी? देखिए मेरी अगेन मैं जो अभी तक मेरी खबर है, जो फैसला अंदर आया है, ये मैं मुतहदा के सोर्सेज जो बहुत हाईली प्लेस सोर्सेज जो इस मीटिंग का डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिस्सा थे, लगता ये है कि अलविदा कह देंगे लंदन के रोल को, मुतहदा ठीक, बिल्कुल। मैं भी, कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा को। काशी, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, चूंकि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब आपके साथ है, और बिल्कुल ऐसे ही कोई इत्तला है मेरी भी जो आपने कहा, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत साहब साथ हैं, फिर आपसे जरा दोबारा बात करते हैं, आप भी चाहें तो बिल्कुल सवाल कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब लेकिन सामने पहले को, खबर बड़ी है, खबर दे दें जी, बिल्कुल। वकील आप ये साहब, कह रहे हैं कि शायद लंदन हमारी की बात क्यादत आपको से साथ ही रहेंगे। ला ताल्लुकी का ऐलान करने जा रहे हैं फारूक सत्तार साहब, यही कह रहे हैं? लातालुकी का ऐलान का फैसला किया गया है इस मीटिंग में। बिल्कुल सही, ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरा मेरा भी ये है ख्याल और खबर। डॉक्टर साहब सामने को, वालेकुम सलाम। मैं ही कह रहा हूँ, आप दोनों एक तो मिलकर यार मुझे सदमी करो, मैं बहुत जहनी दबाव में उस वक्त, और अभी अभी पहुंचा हूँ मैं, और आप मेरा हम मिजाज वसीम बादामी भाई और काशिफ अब्बासी भाई, आप दोनों जानते हैं ये मेरा मिजाज नहीं है जो 2 दिन से हो रहा था। प्लीज, आपको पता है ये मेरा मिजाज नहीं है, ये मेरा मिजाज नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की और आप देख रहे थे, मैं बार बार कह रहा था, एटलीस्ट वसीम तुम तो कहो, मैं बार बार कह रहा था कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गलत हैं, और आज इन्होंने जो है वो जो स्टेटमेंट जारी किया है, तो 2 दिन से मैं ये बात कह रहा था कि ये गलत हुआ और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब मुझे तो नहीं पता कि ये क्या करने जा रहे हैं, मैं तो अभी आया हूँ, रात भर मैं एक कमरे में रहा, मुझे उन्होंने बहुत ख्याल रखा मेरा, जैसा रख सकते थे, जाहिर है जो हिरासत में था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी है, ना मुझे कुछ कहा है करने को, ना मुझ पर कोई दबाव डाला है, ना आपको मुझे कुछ लेकर क्यों बताया गए थे? करने को। आपको जी लेकर क्यों गए थे? मैंने नहीं, मुझे पता नहीं, जाहिर है कि मुझे उन्होंने कोई इंटेरोगेशन मेरे साथ नहीं किए, बस मुझे रख लिया था, ना मैंने आपसे कहा, ना मुझे कुछ कहा, ना मुझसे ये जो एक तासुर है कि शायद वो कह रहे हो, कुछ उन्होंने मुझसे नहीं कहा, मुझे सिर्फ ख्याल रखा, और उसके बाद मैं चूंकि रात भर जागता रहा, मैं लिखता रहा हूँ कुछ, मैंने बहुत कुछ लिखा है, मैंने इस 2 दिन की पूरी तारीख लिखी है, और उसमें मैंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ सोचा है, तो मैं बहुत तकलीफ में हूँ वसीम मदानी साहब। आप भी सोच की बुनियाद पर कोई फैसला कर सकते हैं जल्द? जी आप अल्ताफ हुसैन साहब के बयान से ला ताल्लुकी का इजहार करते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत साहब? यकीनन यकीनन, आप एनक्यूएम छोड़ने के फैसले पर भी गौर कर रहे हैं इस वक्त आमिर लियाकत साहब? मैं आपको जल्द बताऊंगा ये। गौर कर रहे हैं आप, लेकिन इस वक्त में ऐलान और फैसला नहीं पूछ रहा। अगर उसमें ये सवाल भी डाल दिया, अगर यार एनक्यूएम ने लंदन से दूरी इख्तियार की फिर क्या करेगा? अगर मुतहदा कौमी मूवमेंट फारूक सत्तार साहब के नाम के नीचे रहती है और लंदन से दूरी इख्तियार करती है, फिर भी तो फैसला करना पड़ेगा। फैसला तो करूंगा ना मैं यार काशिफ भाई, आप यार, आप दोनों तो मेरे अपने हो, आप मुझे तंग क्यों कर रहे हो यार दोनों? मासूमाना मुझे सवाल कर रहे हैं डॉक्टर साहब, सर आप खुद तंग हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। यार देखो, ऐसे नहीं बोलते ना, मैं तंग नहीं हो रहा हूँ यार, मैं तो मेरी मैं दबाव में हूँ बहुत ज्यादा वसीम, बहुत और इस दबाव की जी। वजह क्या है? जो बयान, लेकिन डॉक्टर साहब कल तो आप ये कह रहे थे कि देखिए अगर बयान दिया है तो इसकी वजूहात नहीं, के मैंने द्वारा। ये नहीं, मैंने पहले पहले मैंने देखो यार, ये नहीं करो ना, आप ट्विस्ट नहीं करो, मैंने पहले कहा था बात गलत है, फिर मैंने ये कहा था कि वही तो स्टेटमेंट दिया उन्होंने, मेरी बातें सुन के तो जो आज आया है कि जी वो जज्बात में और उसमें, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत तो है ना वसीम, गलत तो है ना, वो तो कहा जाएगा ना गलत है, तो वो अभी आप देखें क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, लेकिन मैं जो भी करूंगा या जो भी होगा, मैं मेरा अपना जाती फैसला होगा जो भी होगा, और मैं असल में डॉक्टर साहब, बताऊंगा। आपने एक इदारे से वाबस्तगी अपनी छोड़ दी थी ये कहकर कि यहां से कोई पाकिस्तान के एक इदारे के सरबरा के खिलाफ बयान नशर हुए हैं। आज जब एक पार्टी के सरबरा की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बयान आता है, तो फिर आप वही अमल दोहराएंगे? देखिए, ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, ये इदारा हो या पार्टी हो या मैं हूं, पाकिस्तान है तो सब है भाई, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं, तो ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। और डॉक्टर साहब आखिरी बात, वो अब खैर अभी तफसील का वक्त नहीं है, आप भी जाहिर है इस वक्त बहुत उसमें दबाव में, आपको आखिरी बात यही कि कल एनक्यूएम के कारकुनान की जानिब से एआरवाई पर हमला, इसकी आप मजम्मत करते हैं? एनक्यूएम के कारकुनान को मजम्मत मंजूर दे नहीं रहे हो? करता हूं, मैं तकलीफ में हूं इस बात, क्योंकि आपको मैंने कहा था एआरवाई मेरी फैमिली है, लेकिन प्लीज। आप ये कह रहे थे कि शुभा इस पर भी है कि कोई तीसरी कुवत और ये हो और वो, मैं नहीं, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं मुझे चूंकि उस वक्त हालात सारे नहीं पता थे, फिर मैंने सब चीजें वीडियो हम भी सब हालात कुछ बाजू हो गए यहां पर कि एनक्यूएम के कारकुनान ही थे जी, ये थे और ये बहुत गलत हुआ है, और एमकेएम और अल्ताफ हुसैन साहब की ईमा पर ही हुआ ये जो कुछ हुआ। यकीनन जाहिर है वहीं से निकले थे। ठीक, ठीक
ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, हमसे बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर अपने देखने वालों को हम बता दें, ब्रेकिंग न्यूज दे दें कि डॉक्टर फारूक सत्तार इस वक्त प्रेस क्लब पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो घिरे हुए हैं कारकुनान में, और जो मीडिया के नुमाइंदगान हैं उनमें जाहिर सी बात है हर कोई जानना चाहता है कि वो आज क्या ऐलान करने वाले हैं। चंद ही लम्हों बाद इसका फैसला हो जाए।